जय श्री हरि विष्णु। ब्राह्मणार्थे गवार्थे च स्त्रीणां बालवधेषु च प्राण त्याग परो यस्तु स वै मोक्षम वाप्नुयात्। अर्थात ब्राह्मण, गौ, स्त्री और बालक की हत्या रोकने के लिए जो व्यक्ति अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तत्पर रहता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल डिजिटल महात्मा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की प्रस्तुति में हम आपको समय से पहले होने वाली अल्प मृत्यु के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। श्री गरुड़ महापुराण में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री हरि गरुड़ को प्राणी की मृत्यु का ज्ञान दे रहे थे, तो गरुड़देव ने जिज्ञासा वश भगवान श्री हरि से प्रश्न पूछा कि हे प्रभो, वेद का यह कथन है कि बिना समय के किसी की भी मृत्यु नहीं होती है, तो फिर कोई भी प्राणी किस कारण से अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है? हे प्रभो, ऐसा होने से क्या वेदों का कथन असत्य होता नहीं दिखाई देता? क्योंकि वेदों में यह कहा गया है कि मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है। इस सृष्टि में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यवर्ण वाली द्विजातियां, शूद्र और मलेच्छ रहते हैं, फिर किस कारण से इस कलिकाल में ये शतायु को पूर्ण नहीं कर पाते? बालक, धनवान, निर्धन, सुकुमार, मूर्ख, ब्राह्मण, अन्य वर्ण वाले, तपस्वी, योगी, महाज्ञानी, सर्वज्ञानरत, लक्ष्मीवान, धर्मात्मा, अद्वितीय पराक्रमी, जो कोई भी हो, इस वसुधातल पर अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इनके गर्भ में आने के साथ ही इनके पीछे मृत्यु लगी रहती है। हे भगवान, इसका क्या कारण है? तब भगवान श्री हरि ने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़देव, तुम्हें बहुत साधुवाद, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, अतः प्राणी की अल्प मृत्यु से संबंधित गोपनीय रहस्य को ध्यान पूर्वक सुनो। हे पक्षीराज कश्यप पुत्र महातेजस्वी गरुड़, विधाता द्वारा निश्चित की गई मृत्यु प्राणी के पास आती है और शीघ्र ही उसे लेकर यहाँ से चली जाती है। प्राचीन काल से ही वेद का यह कथन है कि मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण सदाचार का पालन नहीं करता है, जो आलस्यवश कर्म का परित्याग कर देता है, जो सदैव त्याज्य कर्म को सम्मान देता है, जो हर किसी के घर में भोजन कर लेता है और जो पर स्त्री में अनुरक्त रहता है, इसी प्रकार के अन्य महादोषों से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाले, परद्रोही, असत्यवादी ब्राह्मण को मृत्यु अकाल में ही यमलोक ले जाती है। प्रजा की रक्षा न करने वाला, धर्माचरण से हीन, क्रूर, व्यसनी, मूर्ख, वेदानुशासन से पृथक और प्रजा पीड़क क्षत्रिय को यम का शासन अर्थात मृत्यु प्राप्त होती है। ऐसे दोषी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं और यम यातना को प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण हैं उनका परित्याग करता है और दूसरे के कर्म में निरक्त रहता है, जो सेवक अपने कर्म से सदैव भागता रहता है, वह निश्चित ही अल्प आयु में यमलोक जाता है और उत्तम, मध्यम या अधम कोटि वाले यमलोक में पहुंचकर दुख भोगता है। रसों से अभिभूत यह शरीर अनित्य, अध्रुव तथा आधारहीन है। हे पक्षींद्र, अब मैं अन्न और जल से बने हुए इस शरीर के गुणों का वर्णन करता हूँ। प्रातःकाल संस्कृत अर्थात सुपाचित अन्न निश्चित ही सायंकाल तक नष्ट हो जाता है, अतः उस अन्न के रस से पुष्ट शरीर में नित्यता कैसे आ सकती है? हे गरुड़देव, अपने प्राकृत कर्मों के अनुसार शरीर तो मिल चुका है, इस तरह यथायोग्य शरीर निर्माण रूप का आधा कार्य तो हो चुका है, परंतु आगे दुष्कर्मों से बचने के लिए एवं अपनी सुरक्षा के लिए परम औषधि का सेवन तो करना ही चाहिए। क्या यह शरीर अन्नदाता पिता या जन्म देने वाली माता का है अथवा दोनों का है? यह राजा का है, बलवान का है या अग्नि का है? कीटाणु, विष्ठा अथवा भस्म के रूप में परिणत होने वाले इस शरीर के लिए श्रेष्ठतम यज्ञ क्या हो सकता है? पाप विनाश के निमित्त प्राणी को उत्कृष्ट यत्न करना चाहिए।
जीव ने अनेक बार इस संसार में जन्म लेकर मन, वाणी और शरीर के द्वारा पाप कर्म किया है। मनुष्य जन्म मिलने पर प्राणी को पूर्व सभी जन्मों के पापों का स्मरण करके तप के द्वारा उन्हें विनष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। कर्म के अनुसार प्राप्त होने वाले गर्भवास के महान कष्ट को देखकर भी जो मनुष्य पुनः गर्भवास में आता है, अर्थात मानव योनि में ही, उससे मुक्ति का प्रयास नहीं करता। वह पाप की अंडज आदि योनियों में जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ वहाँ वह आधियाँ व्याधियाँ, क्लेश और वृद्धावस्था जनित रूप में कष्ट भोगता रहता है। हे पक्षीराज, गर्भवास से निकला हुआ प्राणी अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न हो जाता है। बाल्यावस्था में रहने के कारण वह सत्सत अर्थात सत्कर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं रखता है। यौवनांधकार से वह अंधा हो जाता है। इस बात को जो देखता है वह मुक्ति का भागी होता है। प्राणी चाहे बालक हो, चाहे युवा हो अथवा वृद्ध हो, वह जन्म लेने के बाद मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। धनी, निर्धन, सुकुमार, कुरूप, मूर्ख, विद्वान, ब्राह्मण या अन्य वर्ण वाले जनों की भी यही स्थिति होती है। मनुष्य चाहे तपस्वी, योगी, परम ज्ञानी, दानी, लक्ष्मीवान, धर्मात्मा, अतुलनीय पराक्रमी कोई भी हो, मृत्यु से नहीं बच सकता है। बिना मनुष्य देह को प्राप्त किए सुख दुख का अनुभव नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति प्राकृत कर्म के पाश में बंधकर मृत्यु को प्राप्त करता है। गर्भ से लेकर 5 वर्ष तक मनुष्य के ऊपर पाप का अल्प प्रभाव पड़ता है, किंतु उसके बाद वह यथायोग्य पाप के न्यायाधिक प्रभाव का भागी होता है। अतः प्राणी को बार बार इस संसार में आना जाना पड़ता है। इस प्रकार इस पृथ्वी पर मरा हुआ मनुष्य दान आदि सत्कर्मों के प्रभाव से पुनः जन्म लेकर दीर्घायु होकर अधिक समय तक जीवित रहता है। तो यह थी समय से पहले होने वाली अल्प मृत्यु के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। गरुड़ ज्ञान के अगले भाग में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।